अगर आपका जन्म मई महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लोगों का मूलांक होता है 6 और इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव। वही मई के महीने को वृषभ राशि रिप्रेजेंट करती है जिसे शुक्रदेव अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर कृपा दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में शारीरिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। मेंटली और टेक्निकली फील्ड की अपेक्षा फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अतः आप लोगों पर शुक्रदेव का विशेष रूप से और पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्रदेव जो कि भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, शुक्र को भोग विलास, रोमांस, कामुकता, प्रेम विवाह, विपरीत लिंगी आकर्षण, प्रजनन क्षमता, स्त्रियोचित गुण, खुशी, सुख समृद्धि, धन संपन्नता, मोटर बंगला, जुनून, अभिनय कला, कलात्मक प्रतिभा, संगीत, नृत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला इत्यादि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति यथार्थवादी होते हैं, आदर्शों में विश्वास नहीं करते हैं। इनके लिए आदर्श धन और लाभ कमाने का साधन मात्र है। इन लोगों में धन कमाने की, संपत्ति जमा करने की प्रबल इच्छा रहती है। ऊपरी तौर पर ये गंभीर और शांत भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अहम को जरा सी भी चोट पहुंच जाए या फिर इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो, क्रोध में शीघ्र आ जाते हैं। वैसे ये लोग दृढ़ स्वभाव के होते हैं, काम के प्रति समर्पित रहते हैं। इनमें अद्भुत मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति होती है। जब तक निश्चय और उत्साह इनका साथ देता है, ये लोग अत्यधिक श्रम करने में भी समर्थ रहते हैं। स्वभाव से बेहद जिद्दी होते हैं, परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली ये शांति पूर्वक जीना ज्यादा पसंद करते हैं। अकस्मात कोई परिवर्तन आ जाता है तो ये परेशान भी हो उठते हैं। इनके लिए परिस्थितियों से, विरोधियों से समझौता करना बेहद कठिन कार्य होता है। वैसे इन लोगों की याददाश्त काफी तेज होती है। एक बार जो पढ़ लिया या सुन लिया ध्यान से, तो उस बात को ये कभी भी भूलते नहीं है, जिस कारण ये लोग साहित्यकारों में भी बेहद सफल माने जाते हैं। इन लोगों में दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की विलक्षण शक्ति होती है। मित्र और प्रियजन स्वयं ही इनके वश में रहना पसंद करते हैं, जबकि ये ऐसा कोई भी प्रयास अपनी तरफ से नहीं करते हैं। ये लोग दृढ़ निश्चयी तो होते ही हैं, जिद्दी भी काफी होते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में ये अति विनम्र होते हैं। जिससे ये दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं, उसकी बात को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। प्रेम के प्रति ये निष्ठावान रहते हैं, लेकिन भावुक होकर भी कोई कार्य नहीं करते हैं। ये लोग काफी सोच विचार कर अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और उनके प्रति अंत तक समर्पित भी रहते हैं। फिर भी अक्सर देखा यही गया है कि कम उम्र में की गई इनकी पहली शादी असफल साबित होती है। एक्चुअली ये लोग अपनी चेतना और प्रेम भावना द्वारा शासित होते हैं, किंतु लालसा की अपेक्षा प्रेम इन पर हावी रहता है। प्रेम के मामले में अत्यधिक उदार तो होते ही हैं, उनके लिए अगर किसी प्रकार का इन्हें बलिदान देना पड़ जाए तो पीछे भी नहीं हटते हैं। मित्रता भी अच्छे से निभाते हैं और शत्रुता भी, पीठ पीछे वार नहीं करते हैं। सामने से लड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। धोखाधड़ी, ठगी, दोगला चरित्र से इन्हें नफरत है। ये लोग सामाजिक हैं, मित्र बंधुओं का, प्रियजनों का सत्कार करने में इन्हें विशेष आनंद आता है। अच्छे मेहमान नवाज साबित होते हैं, अच्छे भोजन में रुचि रखते हैं, घर को सुरुचिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित रखते हैं, कम साधनों में भी अच्छी व्यवस्था घर में बनाए रखते हैं। अच्छा खाना पीना, रहना, डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े पहने देखकर कोई भी इन्हें धनवान समझ सकता है। वैसे भी ये लोग अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। सुख और विलासिता का जीवन इन्हें भाता है। सौंदर्य, कला, संगीत से इन्हें गहरा प्रेम है। ये लोग एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मिमिक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। भाग्य अगर इनका साथ दे तो ये कला व अभिनय के क्षेत्र में काफी ऊंचाइयां छूते हैं। ये लोग एक अच्छे निर्देशक साबित होते हैं। इनमें व्यवसाय की भी अच्छी समझ होती है। सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण, कला, साहित्य, लेखन क्षेत्र के अलावा ये लोग एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं। दवाई संबंधी किसी भी कार्य से ये लोग जुड़े हो सकते हैं। ये लोग अपने आसपास के वातावरण से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। यदि इन्हें अपने मन मुताबिक वातावरण ना मिले तो ये उदास हो जाते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं। इन लोगों को अपने डिसीजंस पर तभी विचार करना चाहिए जब ये एकांत में हो।
ग्रुप डिस्कशन में ये सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि तब ये दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनके निर्णय को ही, उनके डिसीजंस को ही सही मानने लगते हैं, अपनी कोई राय कायम नहीं कर पाते हैं। अतः इन्हें सभी की बातों को सुनने समझने के बाद एक बात अवश्य पुनर्विचार करके ही कार्य रूप करना चाहिए। ये लोग ईमानदार होते हैं, समाज से भी हो सकते हैं। इन्हें पेड़ पौधों से विशेष रूप से लगाव होता है। लोगों से मित्रता और प्रेम के वशीभूत होकर ये लोगों का अपने प्रियजनों का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं और इनके प्रियजन भी खुशी खुशी इनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, उनके अंडर में काम करना पसंद करते हैं। मूलांक छह वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मूलांक छह पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 6, 15, 24 मई में जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। वृषभ राशि का शुक्र भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, व्यय का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। ये लोग सादगी और निर्धनता में जीवन व्यतीत करने की सोच भी नहीं सकते हैं। धनी और सभ्य समाज से ये लोग अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। संगीत, कला, आभूषण, बहुमूल्य धातुएं, श्रृंगार, चटपटा और गरिष्ठ भोजन, मिष्ठान, धन संपत्ति के ये लोग इच्छुक रहते हैं। ये लोग आरामदायक यात्राएं करना ही पसंद करते हैं, जोखिम वाले कार्यों से दूर ही रहते हैं। जीवन के प्रति इनका ये दृष्टिकोण होता है कि ये जीवन आनंद भोगने के लिए है, कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं है। जीवन में सभी प्रकार की मादक वस्तुओं का सेवन करना ऐशो आराम और भोग विलास इनके जीवन की दार्शनिकता है। देर रात तक होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, नाचना गाना, घूमना फिरना इनके आनंदित पलों में से एक है। साथ ही काव्य, लेखन, साहित्य की अनुभूतियां और भावनाएं भी इनके भीतर समाहित होती हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह संजीवनी भी है, जिस कारण शुक्र इन्हें अपार जीवन शक्ति भी प्रदान करता है। इससे ये लोग यांत्रिक और शारीरिक कार्यों को करने में सक्षम रहते हैं। शारीरिक अक्षमताओं से कभी भी हार नहीं मानते हैं। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति इन्हें शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ देती है। अतः इन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में ज्यादा करना चाहिए। आलस और आत्मरति आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। वैसे ये लोग अपने रोग के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी बीमारी को दूसरों से छिपा कर ही रखते हैं। मीठा, काम और मद्यपान इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्हें अपना पार्टनर भी वही पसंद आता है जो इन्हें अपनी बातों से संतुष्ट कर सके। कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति खराब पड़ जाए तो इन्हें नाक, गले, फेफड़ी से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। वृद्धावस्था में जलोदर की आशंका हो सकती है। शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक और भौतिक चीजों में कमी परेशान कर सकती है। व्यक्ति में आकर्षण नहीं रहता, वो साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता, यहाँ तक कि उसके आसपास का वातावरण भी खराब और गंदा पड़ा रहता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। दाम्पत्य सुख में भी कमी रहती है, कामुक शक्ति क्षीण हो जाती है। पुरुषों में शुक्र वीर्य का कारक माना गया है, अतः पुरुषों में शुक्राणु की समस्या और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। ऐसे में इन्हें अपने शुक्र को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। चींटियों को सफेद गाय को आटा खिलाएं, शुक्रवार का व्रत रखें, सफेद वस्त्र धारण करें, हमेशा साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें। ख्याल रखें इस बात का कि आपके वस्त्र कहीं से भी कटे फटे ना हों, टूटे बटन वाले ना हों। अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखें, महिलाओं का सम्मान करें। वैसे तो आप लोगों का मूलांक 3, 6 और 9 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 अप्रैल से 27 मई, 21 अगस्त से 27 नवंबर और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य जन्म लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। वहीं अगर आपके साथी, आपके जीवन साथी का मूलांक 3, 6 या फिर 9 पड़ता है तो सोने पे सुहागा। अगर आप इसी समय के बीच में 6, 15 या 24 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी होगा। 6, 15, 24 मई में जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं। क्रांतिकारी सुखदेव सिंह जी, क्वीन विक्टोरिया, फ्लोरेंस नाइटेंगल, ड्यूक ऑफ मेलबरो, जॉर्ज तृतीय, सर आर्थर पिनेरो,
काजी नजरुल इस्लाम, राजदीप सरदेसाई, बचेंद्री पाल, डीके शिव कुमार, परिधि शर्मा, शाइनी आहूजा, अनसुईया भारद्वाज, शिरीष कुंदर, राजेश रोशन, संतोष नारायणन, अंकित फादिया जी, किरण रेड्डी, कांची कॉल। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरे इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।